आपने आज तक जितने भी देवियों के बारे में सुना होगा वो बहुत शुभ मानी जाती है, लेकिन आज के इस हमारे इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदू धर्म की एक ऐसी देवी के बारे में जिन्हें दुर्भाग्य की देवी कहा जाता है। ज्येष्ठा हिंदू धर्म की देवी है। ज्येष्ठा सौभाग्य और सुंदरता की देवी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन मानी जाती है, जो कि बिल्कुल उनके विपरीत है। ये अशुभ घटनाओं और पापियों के अलावा आलस, गरीबी, दुख, कुरूपता से भी संबंधित मानी जाती है। इन्हें दुर्भाग्य की देवी कहा जाता है। इन्हें अपने घर से दूर रखने के लिए ही लोग इनकी पूजा करते हैं। इन्हें लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार हम आपको बता दें, जब देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया तो सबसे पहले समुद्र से विष निकला, जिसे शिवजी ने अपने कंठ में भर लिया। इसके बाद समुद्र मंथन से देवी ज्येष्ठा की उत्पत्ति हुई। उस समय उन्होंने लाल रंग के वस्त्र धारण कर रखे थे। इनकी पीठ ठीक लक्ष्मी जी के विपरीत थी, यानी जिस तरफ ये जाती हैं उसकी दूसरी तरफ लक्ष्मी जी का वास होता है। देवी ज्येष्ठ का ये स्वरूप बहुत ही सुंदर है। वो सदा लाल रंग के वस्त्र पहने रहती हैं। उनके चार हाथ हैं, जिनमें से दो अभय और वर मुद्रा में रहते हैं और अन्य दो हाथों में तीर धनुष रहता है। इनका वाहन कौआ है। ये सदा कमल पर विराजमान रहती हैं। पीपल के पेड़ में अलक्ष्मी या माता ज्येष्ठा का वास होता है। देवी ज्येष्ठा का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। उनकी छोटी बहन लक्ष्मी जी हैं। देवी ज्येष्ठा का विवाह एक दुस्साह नाम के ब्राह्मण के साथ हुआ था। ये नास्तिक और पापियों के घर में निवास करती हैं। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।